दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले सोलर मॉड्यूल के मामले में भारत पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड था, लेकिन जब से अडानी ग्रुप ने यह अनाउंसमेंट किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क भारत में बनाएंगे, तब से भारत की सोलर मॉड्यूल की कहानी कुछ बदल चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में बहुत सारे सोलर मॉड्यूल की जरूरत होगी, जिसके लिए भारत सोलर मॉड्यूल को चाइना से ना मंगा करके हमने भारत में ही सोलर मॉड्यूल का फैक्ट्री बैठा दिया और अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए अमेरिका समेत 120 कंट्री को सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि भारत की कौन कौन सी कंपनी सोलर मॉड्यूल बना रही है और कौन कौन से देश को एक्सपोर्ट कर रही है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल इम्पोर्टर कैसे बना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट सोलर मॉड्यूल टू 120 कंट्रीज, यूएस बिगेस्ट डेस्टिनेशन। जी हां गाइस, भारत का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल इंपोर्टर अमेरिका है। इस चार्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने अमेरिका को 2022-23 में $1,000 मिलियन का सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया है। और ये सब स्टार्ट हुआ 2021 के बाद, कोविड-19 के बाद भारत सरकार ने PLI स्कीम निकाला, जिसका फायदा सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों को हुआ और भारत में सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और अब 2024 में ये वही भारत है जो सोलर मॉड्यूल के लिए पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड था, और वही भारत अब अमेरिका को $1 मिलियन का सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि 120 कंट्री को हम सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सोलर मॉड्यूल की दुनिया में अभी भी बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिनको हमें चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है, और इस मामले में चाइना हमसे अभी भी आगे है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 से 2023 तक में भारत से $1,031 मिलियन का सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया गया था, जिसमें से $1,000 मिलियन का सोलर मॉड्यूल सिर्फ अमेरिका ने इम्पोर्ट किया था। यानी कि हमने जितना भी सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया उसमें से 97% यूएस को इम्पोर्ट किया और बाकी बचे हुए 3% में UAE, अफगानिस्तान, तुर्की, इसके अलावा मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्री और भी कई कंट्रियां शामिल है जो भारत से सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस, भारत ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट है और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में काफी आगे निकलना चाहता है, और ऐसे सिचुएशन में हम खुद की जरूरत पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर हमें खुद का पेट भरते हुए दूसरों को बेचना है तो उसके लिए हमें और भी बड़े बड़े कंपनियों को एस्टेब्लिश करना होगा जो हाई अमाउंट में सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन करे। वैसे अपना प्यारा भारत सोलर पैनल के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन सोलर सेल्स के मामले में अभी भी हम पीछे हैं। इसका मेन रीजन है भारत की जो तीन सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, अडानी, रिलायंस और टाटा, इनका सोलर सेल्स का जो इंडस्ट्री है उसका कंस्ट्रक्शन अभी भी बाकी है और वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही भारत के इन तीनों दिग्गज कंपनियों में सोलर सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हम सोलर सेल के मामले में भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आज के डेट में अपने प्यारे भारत में 180 गीगावाट का बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से आपूर्ति किया जा रहा है और हमें खुद बहुत सारे सोलर मॉड्यूल की जरूरत है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया सूर्योदय परियोजना है, जिसमें लोगों के छत पर सोलर सेल को बिठाया जाएगा और लोगों को बिजली मिलेगा उनके ही छत पर लगे हुए सोलर सेल से, और आने वाले टाइम में उन्हें बिजली बिल का कोई टेंशन नहीं होगा। इनफैक्ट अगर वो ज्यादा बिजली बचाते हैं, ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो वो इसे स्टोर भी कर सकते हैं, जिसे सरकार खरीदेगी और वो पैसा भी कमा पाएंगे। तो आने वाला जो टाइम होगा उसमें हर आदमी के छत पर सोलर सिस्टम दिखेगा और हर घर का बिजली सूरज से लिया जाएगा। अभी सरकार भारत के 1,00,000 घरों में सोलर सिस्टम को बैठाने जा रही है। तो भारत अगर सोलर मॉड्यूल का हब बनना चाहता है तो हमें बड़े बड़े कंपनियों की जरूरत है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी खुद की डिमांड बहुत ज्यादा है। रिलायंस, अडानी, टाटा, बताया जा रहा है कि इन तीनों की सोलर सेल इंडस्ट्री अगले साल तक तैयार हो जाएगी, और जब यह तैयार होगी तो फिर ताबड़तोड़ प्रोडक्शन होगा सोलर सेल्स का, जिससे भारत अपनी खुद की जरूरत को पूरा करते हुए दूसरे देशों को भी सोलर सेल इम्पोर्ट करेगा। और अभी जो ये रिपोर्ट आया है कि अपना प्यारा भारत दुनिया के 120 कंट्री को सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है, जब ये तीनों कंपनियां तैयार हो जाएगी तो ये आंकड़ा 120 से 220 कब हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है आने वाले 2-3 सालों में भारत सोलर मॉड्यूल के मामले में चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता को कम कर पाएगा, और क्या हम दूसरे कंट्री को सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं गाइस इसके बारे में, और आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।